व्यापार मंडल ने फूका प्रधानमंत्री का पुतला। हल्द्वानी में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल द्वारा कृषि बिलों के खिलाफ पिछले 22 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देते हुए केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी कर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूका। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर ने कहा कि इस देश में किसान ही है जो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, लेकिन आज किसान पिछले एक महीने से सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और ये सरकार हर धर्मिता पर अड़ी हुई है। जबकि किसानों की मांगों को अब तक मान लिया जाना चाहिए, लेकिन उल्टा किसानों को पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताया जा रहा है, जिसको देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करता है और केंद्र सरकार से मांग करता है कि तत्काल इन काले कानून को वापस लेकर किसानों की मांग मान ले, नहीं तो पूरे देश में उद्योग व्यापार मंडल का प्रदर्शन होगा। देखिए, पुतला दहन हम इसलिए कर रहे हैं कि एक महीने से करीब हमारे अन्नदाता आंदोलित है सड़कों में कड़ाके की ठंड के बाद। करीब 50 किसानों की शहादत हो चुकी है, अपनी जान दे चुके हैं 50 किसान भाई हमारे, और सरकार हठधर्मिता पर है कि वो तानाशाही रवैया अपना रही है और किसानों की मांग मानने के बजाय उनको दबाने की कोशिश कर रही है। उनको कभी खालिस्तानी कर रही है, कभी पाकिस्तानी कह रही है, कभी देशद्रोही कर रही है। तो हम किसानों के समर्थन में आए यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए हमने उनका पुतला जलाया है उन बिलों का। आइए स्वागत।